the Constitution 124th Amendment Bill 2019. Okay. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूँ। अध्यक्ष महोदय, इस देश में लंबे समय से चर्चा सामान्य वर्ग के लोगों को, बोलो ना आप इस विषय पे, बोलो ना, गरीब तबके के हैं, आप नाम दे दो, बोलो, अन्य वर्ग के लोगों को जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिलती है, बोलो ना, उससे संबंधित कुछ सुविधाएं मिले, इस प्रकार की मांग चलती आ रही है। लंबे समय से इस प्रकार की मांग देश के कोने कोने से जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस संसद में भी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बार नहीं, अनेक बार माननीय सदस्यों ने प्रश्न के माध्यम से ये मांग की। और इतना ही नहीं तो 21 बार प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करके उस पर चर्चा करा करके ये मांग की कि इस देश में सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी उनको भी आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए। इस संबंध में मंडल आयोग ने भी एक बार अपनी प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी और ये कहा था कि ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीब तबके का है उनको भी शैक्षणिक संस्थाओं में और रोजगार की दृष्टि से सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव जी ने इस संबंध में 1992 में एक प्रावधान भी किया था, पर वो प्रावधान संविधान में संशोधन किए बिना, संविधान में इस प्रकार का प्रावधान करने का प्रावधान नहीं होने के बाद भी किया था। इस कारण से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद एक सिन्नो कमीशन भी बना और सिन्नो कमीशन ने जो 2004 से बना था, 2010 तक लगातार उसने काम किया और 2010 मई जून में तत्कालीन सरकार को एक प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में बहुत सारी सुविधाएं सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो वर्तमान में आरक्षित प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का उस समय सुझाव दिया था, परंतु उन सुझावों पर भी अमल नहीं हुआ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके शासनकाल में उस प्रतिवेदन पर बहुत सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया और आज हम सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को, ईबीसी वर्ग के लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर वो विदेश जाकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं या यहाँ एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसका ब्याज हमारे मंत्रालय की ओर से देते हैं और वो ऐसी श्रेणी के गरीब लोग हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली है उसके दायरे में नहीं आते ऐसे लोग हैं, उनको हमने ये सुविधाएं देने का प्रयास किया है। परंतु हमने ये महसूस किया कि इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपका जब मौका आएगा तब आप बिल पे बोलो, कोई मना थोड़ी है, अभी नहीं बोलोगे, अभी नहीं, इंट्रोडक्शन हो चुका है उसका, उस समय नहीं थे तो क्या करें। यस बैठिए, अभी कुछ नहीं, बीच में नहीं। यस मिनिस्टर, मुझे ये कहते हुए खुशी है
कि इतना सब करने के बाद भी हमको ये लगा कि ये नगण्य प्रयास है, ऐतिहासिक निर्णय लेने की जरूरत है, ऐतिहासिक प्रयास करने की जरूरत है। इन सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास, जो कहा था वो किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, संविधान में जो आर्टिकल 15 है उसमें अभी 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) तक है, वो जो प्रावधान है वो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सुविधाएं देने का प्रावधान नहीं दर्शाते हैं। इसलिए आर्टिकल 15 में एक सब क्लास 6 जोड़ा गया है और उस सब क्लास 6 में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को क खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य सरकारों को और भारत सरकार को इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। और इसके खंड ख में कहा गया है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी। जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा। अर्थात इन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्यधीन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार को राज्य सरकारों को भी होगा। और इसका स्पष्टीकरण भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद से आशय 15 का है और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है उसके अनुपालन के अनुसार ये सब होगा। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो SC ST और OBC को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना
उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आती है। उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, पहले इस प्रकार के जब प्रयास ये हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है, जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहाँ जाएगा इसके विरोध में, उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सबको न्याय, सबका विकास, इस दिशा में सबका साथ, इस दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे और देश के परिदृश्य में सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा, अमन चैन का वातावरण बनेगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। इसमें जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें शब्द तो बहुत कम है पर उसका जो लाभ मिलने वाला है बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो उसको सर्वानुमति से पारित करें।